प्रतापगढ़ में दबिश देने गए पुलिस की पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उल्टे पैर दौड़ लगा दी। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन परिजनों के आरोप के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल ये मामला प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर थाना इलाके के बाबू तारा गांव का है, जहां सांगीपुर थाना पुलिस एक मामले में दबिश देने के लिए गई थी। इस दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत हुई है। बुजुर्ग की मौत की जानकारी होते ही सांगीपुर पुलिस ने उल्टे पैर दौड़ लगाने में ही अपनी भलाई समझी और बुजुर्ग को मौके पर ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। पुलिस रेड के दौरान बुजुर्ग की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, तो वहीं पुलिस हार्ट अटैक से मौत होना बता रही है। हालांकि एएसपी का कहना है कि परिजनों की शिकायत को आधार मानते हुए जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये परिवारीजन आए हैं, मकबूल खान निवासी बाबू तारा सगरा सुंदरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़। इनकी मृत्यु रात में हुई है। इनका आरोप है कि कल रात्रि सांगीपुर की पुलिस दबिश में गई थी, इनके साथ मारपीट किया, उसके वजह से मृत्यु हुई है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने मांग रखी है, मांग पर सम्यक विचार किया जा रहा है और जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वह की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा, पीड़ित को संतुष्टि मिलेगी।